हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 फॉर फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस यानी कि जो बॉक्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, उन बॉक्सेस को हमने फिल करना है। हाँ जी, देखो हमने बॉक्सेस में क्या फिल करना है। आगे ए पार्ट कर रहे हैं हम। ए पार्ट में हमें क्या करना है, ए पार्ट में हमें फाइव डिजिट की एक वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का हमें एक नंबर दिया गया है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें वंस प्लेस के आगे बॉक्स दिया गया है, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है कि वंस प्लेस के लिए हमारा कौन सा डिजिट लिखा जाएगा, टेंथ प्लेस के लिए हमने कौन सा डिजिट लिखना है, 100 प्लेस के लिए हमारा कौन सा डिजिट आएगा, 1000 प्लेस के लिए कौन सा डिजिट यूज़ होगा एंड 10000 प्लेस के लिए कौन सा डिजिट यूज़ होगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमें 5 डिजिट नंबर यहाँ पे गिवन है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10000, इस टाइप से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस अब हमें इजी हो गया, हमें पता चल गया कि वंस प्लेस पे हमारा क्या होता है, क्या आ गया हमारा वंस प्लेस के लिए 2, टेंस प्लेस के लिए 7, 100 प्लेस के लिए 6, 1000 प्लेस के लिए हमारा 0 यूज़ हुआ और 10000 प्लेस के लिए हमारा क्या यूज़ हुआ, वो है 3। तो यहाँ से देख के हम यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर वैल्यू फिल करते हैं। वन स्पेस के लिए हम लिखेंगे 2, टेंथ स्पेस के लिए हम वन स्पेस के लिए लिखेंगे हम 2, टेंथ स्पेस के लिए हम लिखेंगे 7, 100 प्लेस के लिए हम लिखेंगे 6, 1000 प्लेस के लिए हम लिखेंगे 0 एंड 10000 प्लेस के लिए और आएगा 3। क्लियर है, ऐसे हमने हमारा ए पार्ट सोल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दी बॉक्सेस में, हमने फिल कर दिया। ऐसे ही हमारा क्या है, बी पार्ट है, यहाँ पे भी हमें नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, वंस प्लेस से लिखना शुरू करते होते हैं, इस साइड से वंस, टेंस, 100, 1000, 10000 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस में वैल्यू फिल करेंगे। वन स्पेस के आगे एक बॉक्स बना है तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, 9, टेंथ स्पेस वाले बॉक्स में हमारा क्या आएगा, 4, 100 के लिए हमने क्या लिखना है यहाँ पे, 5, 1000 के लिए 8 और 10000 के लिए हमने क्या लिखना है, 5। क्लियर है हमारे दोनों पार्ट। अब सी पार्ट आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या करना है, हमने जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं हमें, उनको हमने किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं हमारा, 4, 6, 8, 5 नंबर दिया हमें, इसे हमने वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे, कितने डिजिट की वैल्यू हमें गिवन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 5 डिजिट की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे 5 टिक लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10000 लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे, वंस प्लेस के लिए हमारा आता है आएगा 10000 और 10000 हो गया, यानी कि यहाँ पे वंस प्लेस के लिए हमारा 5, टेंथ प्लेस पे हमारा 5, 100 प्लेस पे 8, 1000 प्लेस पे 6 एंड 10000 प्लेस पे 4। अब हम इसके लिए क्या लिखते हैं, नंबर नेम, नंबर नेम लिखते हैं, यानी कि जो नंबर हमें दिया गया है हम उसको क्या लिख रहे हैं, वर्ड्स में लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे हम, 10000 तक हमारी वैल्यू गई है तो 10000 और 1000 इसका हमारा पेयर बन जाता होता है, अलग से नहीं उठाते होते 4 या 6 को। हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारी 1000 के लिए वैल्यू है और ये भी हमारी 1000 के लिए, ये 10000 है और ये 1000 है, तो यानी कि ये क्या लिखा जाएगा, 46, 100 प्लेस अकेला ही होता है, अकेला उठाया जाता है, तो ये क्या होगा, 46 के बाद 800,
टेंस और वंस प्लेस भी हमारा क्या होता है, एक साथ ही पेयर में ही जाता है। टेंस प्लेस पे फाइव है, वंस प्लेस पे फाइव है, तो क्या हो जाएगा 55। हाँ जी, क्लियर है हमारा ए पार्ट। अब हम शुरू करते हैं बी पार्ट। क्या दिया हमें बी पार्ट, ये। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 डिजिट काउंट किए हमने, यहाँ पे ऐसे ही सेम 5 टिक यहाँ पे हमने लगा लिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10000 लिख लिया हमने। अब हम वंस के नीचे आएगा हमारा 4, टेंस के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 100, 8000, 2, 10000, 7। अब हम नंबर नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको क्या कर रहे हैं, जो हमें नंबर दिया गया है हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, जो 10000 प्लेस पे 7 है और 1000 प्लेस पे 2 है, तो ये हमारा पेयर इकट्ठा ही जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम, 72000 के लिए क्या है 8, यानी कि 800 टेंस और वंस प्लेस पे क्या गिवन है हमें, 1 और 4 गिवन है, यानी कि कितना बन गया हमारा 14। क्लियर है सभी को? हाँ जी, ए और बी पार्ट हमने सोल्व किया है, सी डी और ई पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। हमने क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं नीचे, हमने उनको क्या करना है, फिगर में लिखना है, हमें नंबर नेम दिए गए हैं, हमने उन्हें क्या लिखना है, फिगर में लिखना है, यानी कि हमने डिजिट्स के अंदर हमारी वैल्यू को राइट करना है। हाँ जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट के स्टेटमेंट आप देखो, 10491, यानी कि 1000 के लिए हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है, और 10 में हमारे कितने डिजिट होते हैं, 10 जब हम लिखते हैं तो 10 में हमारे कितने 2 डिजिट यूज़ होते हैं, तो यानी कि अगर टू डिजिट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10000 तक। कहाँ तक लिखेंगे हम, हमारा नंबर, हमारी फिगर कहाँ तक बनेगी, 10000 तक, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10000। क्लियर हुआ आपको? कैसे पता चला कि आपको कि कहाँ तक हमारे फिगर जाएगी, 10000 तक जाएगी या 1000 तक। 10000 तक क्यों गई है हमारी फिगर, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 गिवन है, और 10 में हमारे क्या होते हैं, 2 डिजिट यूज होते हैं, तो इसलिए हमारी फिगर कहाँ चली गई, 10000 तक। तो इसलिए हम लिखते हैं, यानी कि 10000 है, 10 में 1 और 0 होते हैं, यानी कि 1 कहाँ यूज़ होगा हमारा, 10000 के लिए, और 0 हमारी यूज़ होगी 1000 प्लेस के लिए। तो लिखते हैं 10000, यानी कि 10000 के नीचे 1 और 1000 के लिए 0, हाँ जी, 400 के लिए होगा 4 एंड 91, यानी कि 9 आएगा हमारा टेंथ प्लेस पे और 1 आएगा हमारा वंस प्लेस पे। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, 80422। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी फिगर कहाँ तक होगी, कहाँ तक हमने वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, फिगर कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएगी, 10000 तक जाएगी, या लाख तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है। तो हम देखते हैं 80000 कहाँ तक जा रही है, 80000, 80 यानी कि 80, 80000 तक जा रही है, यानी कि 80 में कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, डबल डिजिट यूज हो रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यानी कि 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हमारी वैल्यू जाएगी 10000 तक। कहाँ तक जाएगी, 10000 तक, यानी कि 1000 प्लेस पे हमारा 0 आ जाएगा और 10000 प्लेस पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 10000 तक जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10000, 1000, 100, 10s, 1s लिख लिया हमने। अब 80000 को हम लिखते हैं, 80000 यानी कि 10000 प्लेस पे हमारा 8 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट होते हैं हमारे 80 में, 8 आएगा, और 1000 प्लेस पे आएगी हमारी 0, 400, 100 प्लेस पे हमारा 4 आएगा,
एंड लास्ट में है हमारा टेंस और वंस प्लेस के लिए दिया गया है 21, यानी कि 2 आएगा हमारा टेंस प्लेस पे और 1 आएगा हमारा वंस प्लेस पे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब आप 3 क्वेश्चन को क्या करोगे, फिर से ट्राई करोगे। ये हमारे सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट, ये आप खुद से ट्राई करोगे। इनको हमने क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है। थैंक यू।